हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा नाम है संदीप और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी मछलियाँ भी काफ़ी अच्छी होंगी। अगर आप लोग अच्छे नहीं हों तो अच्छे हो जाइएगा, क्योंकि मैं हो सकता है आप सभी लोगों से मिलने भी आ सकता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इस टाइम पर कमेंट्स आ रहे हैं वो इस बात के आ रहे हैं कि लोग आपकी फिशेस के कलर उड़ जाते हैं, मछलियाँ खाना बंद कर देती हैं। आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, मछलियाँ बीमार होती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक्वेरियम में, और उन्हीं में से एक कारण होता है आपका मछलियों के कलर का जाना। सबसे ज़रूरी बात यही होती है, जैसे कि मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आपकी फिश बीमार ही ना हो। ये नौबत ही मत आने दीजिए कि आपकी मछली बीमार हो जाए। जैसे कि एक्वेरियम का पानी अचानक से गंदा हो जाना और धुंधला पड़ जाना, ये एक निशानी होती है आपके मछलियों के बीमार होने की। ये ऐसा तब होता है, या तो आपकी मछलियों ने एक्वेरियम में अंडे दे दिए हैं तो आपका अचानक से एक्वेरियम का पानी गंदा हो जाएगा और धुंधला पड़ जाएगा और स्मेल आने लगेगी तेजी से। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने एक्वेरियम में खाना ज़्यादा डाल दिया और आपकी मछली बीमार थी तो वो खाना नहीं खाई। तीसरा रीज़न ये होता है, आपकी मछली जब बीमार हो जाती है तो उसकी जो बॉडी की स्किल वगैरह होते हैं वो छूटने लगते हैं, मतलब बाहर आने लगते हैं। इस कंडीशन में अचानक से एक्वेरियम का पानी धुंधला हो जाता है, और एक्वेरियम का पानी धुंधला होने के बाद मछलियों में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। मछलियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप लोग ये मेरी फिश देख रहे हैं, इसका पानी धुंधला हो गया है और मछलियाँ बहुत जल्दी जल्दी मुँह चला रही हैं अपना। ये एक बीमारी का संकेत है कि आपके एक्वेरियम का पानी सही नहीं है, पानी एकदम से ख़राब हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अगर आप टाइम से अपने एक्वेरियम को पूरा पानी चेंज नहीं करते हैं तो आपकी सारी मछलियाँ हो सकता है एक साथ ही मर जाएं। दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन का जवाब, कि आपके एक्वेरियम का पानी, सॉरी, आपकी मछलियों के कलर उड़ जाना। मछलियों का कलर कब उड़ता है? सबसे पहला रीज़न उसका कलर का उड़ना, कलर चेंज होना और मछलियों की ब्राइटनेस कम हो जाना। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट केसेस में होता है, जैसे कि फ्लावर हॉर्न हो गई, एरोवाना हो गई, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर गोल्ड ग्रुप में ब्लैक मोर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको ब्लैक मोर और गोल्ड, ये दोनों होता तो गोल्ड का ग्रुप है, गोल्ड के जैसे ही होती है ब्लैक मोर और गोल्ड, लेकिन जो ब्लैक मोर होती है मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ वो गर्म पानी की मछली होती है, तो आप लोग समझिएगा। और गोल्ड जो होती है वो ठंडे पानी की मछली होती है। तो ब्लैक गोल्ड जो नॉर्मल गोल्ड के साथ रहती है तो उसमें फंगस लग जाना और उसका कलर उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको ब्लैक गोल्ड के लिए हीटर और जनरल एट साथ में एक्वेरियम में डालें तो इस चीज़ का आपको इंतजाम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक गोल्ड ऐसी मछली है जो सबसे जल्दी बीमार होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी मरती है, क्योंकि बीमार होते ही उसको अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिश मर जाएगी, और वो अपने टेम्परेचर की वजह से उसका कलर छूटने लगता है, ब्लैक से होने लगती है वाइट, या तो वाइट कलर उस पर लगने लगते हैं फंगस। फिर आपको मैं बताता हूँ दूसरा रीजन कलर का गायब होना मछली के। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी पाया गया है कि एक्वेरियम की जो लाइट होती है, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि लाइट के अनुसार ही अपने बॉडी का कलर चेंज करती हैं, जैसे कि वो एरोवाना फिश हो, फ्लावर हॉर्न हो, अगर इन्हें अच्छी लाइट नहीं मिलती है तो भी इनका कलर खराब होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि एक्वेरियम में आप मछलियों के हिसाब से ही कलरफुल लाइट भी लगा के रखें। सबसे बेस्ट लाइट होती है एलईडी लाइट एक्वेरियम के लिए, वो मछलियों के कलर से लेके प्लांट तक में काम करती है, प्लांट वगैरह भी मेंटेन करके रखती है। कौन सी लाइट? एक्वेरियम की एलईडी लाइट। एक रीज़न ये है कलर का उड़ जाने का, जो आपकी सेवरम होती है, चिकलेट होती है, पैरेट होती है। पैरेट में ज़्यादातर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन पैरेट होती है, येलो पैरेट होती हैं, ब्लू पैरेट होती हैं, इनके ज़्यादातर ये आर्टिफिशियल कलर होते हैं। तो वो पैरेट की जब तक शॉप वाले के पास रहती है तो अच्छी खासी चमकदार रहती है, जो डुप्लीकेट कलर्स वाली होती हैं। ज़्यादातर ये ब्लू, ग्रीन और येलो पैरेट में आती हैं डुप्लीकेट फिश। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा रंगीन पैरेट लेने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो आपको लोकल पैरेट दे सकता है दुकान वाला। से मछली लेने के पहले एक रीज़न ये है मछलियों के कलर को उड़ना। शॉप से मछली लेने के पहले आप लोग अपने फिशेस, जो फिश खरीद रहे हैं उस फिश को ध्यान से देखिए, उसमें फिश में वाइट स्पॉट तो नहीं है,
और जो फिश ले रहे हैं वो फिश आपकी एक्वेरियम में सर्वाइव करेगी। आप शॉप वाले को अपने फिश का वीडियो दिखाइए, उसके बाद ही फिश को लीजिए, जिससे कि शॉप वाला भी को आसानी हो आपकी मछली को पहचानने में और बताने में कि आप इस फिश के साथ ये फिश रख सकते हैं। जबरदस्ती कोई मछली अपने एक्वेरियम में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कोई मना करे कि ये मछली इस मछली के साथ में नहीं रहेगी तो वो मछली आप ना लें। एक बात और, फ्लावर हार्म हो गई, पैरेट हो गई, सेवरम हो गई, सेल्विनो हो गई, ग्रीन टेरर हो गई, इनके जब कलर उड़ने लगते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आपको 50% पानी चेंज करना चाहिए अपने एक्वेरियम का। अगर आपके पानी एक्वेरियम के पानी की वजह से मछली का कलर उड़ रहा है तो वो आपको सही कर देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पानी चेंज करने के बाद एक्वेरियम एंटी ईच नहीं जर्नल एड डालना चाहिए। और उसको डालने के साथ में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ठंड के टाइम पे शुरू होती है, ठंड में, जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। जनरल एड डाल के आपको अपने एक्वेरियम में हीटर लगा देना चाहिए, उससे क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास एक बार एक फ्लावर हॉर्न आई थी, उसका कलर बहुत तेज़ी के साथ उड़ रहा था। तो मुझे ये बहुत पहले की बात है, अभी तो ये मेरे साथ ऐसा कोई केस हुआ नहीं नया। तो मैंने क्या किया कि अपने उस एक्वेरियम में जनरल एड डाला और हीटर लगा दिया, मछली 3 दिन के अंदर एकदम से सही होगी, उसके कलर वापस से ही वैसे आ गए। कोशिश कीजिए आप जो दवाइयों को यूज़ करें वो ओरिजिनल दवाइयाँ ही हों। अगर आपके एरिया में आपके पास ओरिजिनल दवाई नहीं मिल पाती है तो ही डुप्लीकेट दवाई लें, खास तौर पे जनरल एड तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगी तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और ब्लू वाली तो खैर जो मिल जाए वो भी चल जाती है, मैं खैर यूज़ करता हूँ खुद भी, रीडाल के अलावा भी एंटी यूज़ करता हूँ तो वो काम करती हैं और एक्वेरियम के बैक्टीरिया भी मरते हैं। जैसे कि आप लोग इस टैंक का देख रहे हैं, पानी धुंधला हो गया है, मछलियाँ ऊपर आके सांस ले रही हैं, फिल्टर चल रहा है, तब भी इस एक्वेरियम में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका पानी चेंज कर दूँगा। पानी चेंज करने के बाद इसमें हल्का सा जनरल एड दूँगा और हल्की सी ब्लू वाली दवाई, ये सारी मछलियाँ ठीक हो जाएंगी। एक रीज़न मैं आप लोगों को और बताता हूँ, एक्वेरियम की विशेष अपना कलर चेंज करती हैं और अचानक से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनका ब्राइटनेस कम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। रीज़न मैं आप लोगों को और बताता हूँ, आपकी मछलियों के कलर का चेंज होना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मछलियाँ एक्टिव रहती हैं फिर भी उनके कलर उड़ जाते हैं, और वो खाना भी खाती हैं, सब कुछ सही रहता है, बड़ी भी होती हैं, लेकिन उनके कलर फिर भी फीके पड़ जाते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है आपकी जो फिश फूड की क्वालिटी है, पहले नंबर पर आपकी अगर फिश फूड की क्वालिटी है तो वो ख़राब है। दूसरे नंबर पे कई सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि सगर कैट वगैरह होती हैं, वो अपना कलर जैसे पत्थर हो गए आपके एक्वेरियम में, जैसे पत्थर डाले होते हैं, जैसे लाइट लगी होती है, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ वाइट लाइट का यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, तो ज़्यादातर मछलियाँ ना अपना कलर चेंज कर देती हैं लाइट के अनुसार और एक्वेरियम के ग्रेवल के अनुसार और कलर के अनुसार। तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करना होगा कहीं आपके जो एक्वेरियम में फिश फूड खिला रहे हैं उस फिश फूड की क्वालिटी तो कहीं ख़राब नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपका जो एलईडी लाइट है वो तो ख़राब क्वालिटी का नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सभी लाइटें एक्वेरियम के अनुसार नहीं होती हैं, इसकी वजह से भी मछलियों को प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में भी नए आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इससे मैं आप लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता रहूँ। मेरी कोशिश यही रहती है हर रोज़ आप लोगों को कुछ नया नया सिखाऊं, कुछ नया नया बताऊं। से मेरे पास कई सारे मेल्स आते हैं और कई सारे लोगों से मैंने बातें भी की हैं, तो लगभग करीब 100 से 200 लोगों ने मेरे वीडियोस देखते हुए एक्वेरियम शॉप खोल ली। तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग सिर्फ मेरे वीडियोज़ देख के बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक रोज़गार मिल गया, उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे से जुड़ के या मेरे वीडियोज़ बस देख के कोई बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या उनको मैंने बिजनेस सोल्यूशन दिया, उन्हें ऐसी ट्रिक्स आई कि वो भी ऐसे कांच को जोड़ के एक शॉप खोल सकते हैं, घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कम पूंजी में कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बताया, मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करवाया कितने सारे लोगों को, कई सारे एक्वेरियम शॉप्स खुल गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं कि घर बैठे कितने सारे रोज़गार आप लोग कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ मैं देता हूँ बिजनेस आइडियाज़। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, तो आप लोग मुझे मेल करके ज़रूर बताइएगा। अपने कस्टमर्स को भी मेरे बारे में बता दिया करिए, जैसे कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग उन्हें नहीं डील कर पाते, नहीं समझा पाते, तो उन्हें बता दिया करिए कि आप लोग इस YouTube चैनल पे जाओ और आपको
लगभग लगभग सारी जानकारी आपकी फीस से रिलेटेड मिल जाएगी, ये आप शेयर कर दिया करिए। जैसे कि ठंड का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मछलियों में, टर्टल्स में, अभी मैं अगला वीडियो सोच रहा हूँ टर्टल के ऊपर ही बनाऊंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ठंड की वजह से, उनके कलर उड़ना, खाना ना खाना, बीमार पड़ जाना। लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़िए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे आप लोगों को सिखाने को लेके। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे भाई लोग नई नई शॉप्स खोल रहे हैं उनसे मिलूं, उनके पास जाऊं, और जल्दी ही मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने शॉप खोली हुई है तो मुझे उसका आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को होलसेलर से मिलवाऊंगा, ट्रस्टेड होलसेलर, उनकी शॉप में जाके डायरेक्ट आप लोगों को उनके नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा और बता पाऊंगा कि आपके एरिया में कौन कहां तक सामान भेज सकता है और आपको कैसे मिल सकता है। जैसे कि मेरे रीवा में खुद डायरेक्ट कोई भी कोलकाता से ट्रेन नहीं आती है, फिर भी मेरे पास कोलकाता और दिल्ली सभी जगह से माल मिल जाता है, जबकि ना मेरे यहाँ कोई कोलकाता से ट्रेन आती है ना ही बस आती है। सारी चीज़ों को मैं जुगाड़ आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे करना होता है, और आप लोग एक बिजनेसमैन बन सकते हो। और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता था, लगभग मैं 0 रुपीज से स्टार्ट किया था, 100 रुपए भी नहीं थे। सभी भी कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिएगा और मुझसे ऐसे जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा और जितना हो सकेगा उतना घुमाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, और मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसा कैसा बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझसे सीख के क्या क्या किया, तो मुझे लगे कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग 10 मिनट का समय लगा होगा, आप लोग देखे हैं और आप लोग देख रहे होंगे वॉच टाइम, लेकिन मैंने इस 10 मिनट के अंदर आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर ली, बहुत सारी जानकारियां भी दे दी हैं आप लोगों को, और उसी के साथ में मैंने अपने 2 एक्वेरियम भी बना लिए आप लोगों से सिर्फ बातें करते करते। इसी तरीके से आप लोग कुछ करते करते, कुछ सीखते सीखते आप लोग कुछ काम भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा हुनर होता है, उस लोग को आप लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है और दिखाने की जरूरत है। अगर आप लोग एकदम ये लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कहीं ये नहीं हो जाएगा, कहीं वो नहीं हो जाएगा, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस होके कोई काम कीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप सभी लोग, और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। मैं नॉर्मली होलसेलर और शॉप के लिए इसके लिए आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे बदमाश बच्चे होते हैं और कस्टमर्स भी होते हैं जो कि रेट जान जाएंगे, तो जो लोग अभी प्रेजेंट में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कि संदीप तुमने इसका रेट बता दिया, तुमने इस होलसेलर से मिलवा दिया, तो पता चला जिनको काम नहीं भी करना हो ना वो भी कॉल करके रेट ले लेंगे, या जिन्हें सामान नहीं लेना वो भी होलसेलर्स के पास पहुंच जाएंगे और उसका काम डिस्टर्ब करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों से कुछ फोटोज और वीडियोज क्लिप लूंगा आपके शॉप की, आपके दुकान का वीडियो कॉल करके देख पूछ लूंगा, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को मिलवाऊंगा और नंबर दिलवाऊंगा और सोल्यूशन बताऊंगा कि बिना GST और बिना टिन नंबर के आप कैसे अपना एक बड़ा होलसेल तक का बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।